आज के हमारे पहले वीडियो में एक बंदा जंगल के अंदर जब किसी अबैंडेड घर की जांच पड़ताल करने जाता है तो यहीं पर इस बंदे को झाड़ियों के बीचों बीच कोई अजीबोगरीब नजारा देखने को मिल जाता है, यानी कि कपड़े बिना शरीर के चल रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इंसान के बिना कपड़े कैसे चल सकते हैं? तुम लोग खुद ही देख लो। और ये बंदा काफी ज्यादा डर जाता है, चीखते चिल्लाते यहाँ से भागता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात तो ये है कि यहाँ पर कई बार कोई अजीबोगरीब शैडो भी रिकॉर्ड होते हैं, अजीबोगरीब फिगर रिकॉर्ड होते हैं जिन्हें तुम अपनी आंखों से देख सकते हो। आज का हमारा दूसरा वीडियो इंडोनेशिया के किसी अबैंडेड हवेली का है। कहानी की शुरुआत इसी हवेली से होती है। इस हवेली में दो मियां बीवी रहते थे। ये लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। इसी हवेली के साथ कोई फैक्ट्री है जहां पर लोग काम करने के लिए आते थे, लेकिन इनके अलावा आसपास कोई घर नहीं है, कोई फैमिली नहीं रहती है, बस झाड़ियां ही झाड़ियां हैं। खैर, एक दिन ऐसा आता है जिस दिन इस हवेली में रहने वाले बंदे की मौत हो जाती है। अभी शादी को 3 महीने ही हुए थे और अचानक इस बंदे की कैसे मौत हो सकती है? लोगों का मानना तो ये है कि उस बंदे की बीवी ने उसे मारा है, उसे कत्ल किया है। अब ये बातें कितनी सच हैं इनके बारे में कोई नहीं जानता है। धीरे धीरे से दिन गुजरने लग जाते हैं, साल बीत जाते हैं। अब लोग उन पुरानी बातों को भूल चुके थे। इस औरत को भी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी थी। खैर, ये औरत किसी से प्यार कर बैठी है। वाली जो फैक्ट्री है ना, वो लड़का वहीं पर काम करता है। उस लड़के की उम्र काफी कम है और ये औरत काफी बड़ी है, फिर भी ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इन दोनों के नाजायज ताल्लुकात भी थे, यानी कि उस लड़के का इस हवेली में आना जाना लगा रहता था। अब इस बात को 1 साल पूरा हो चुका है। खैर, जब उस लड़के को ये बात पता चलती है कि इस औरत की अब 3 महीने की बच्ची है और वो मेरी है, लेकिन इसके घर वालों को बिल्कुल भी ये बात नहीं पता है। लड़के ने अपने घर वालों को ये बात बिल्कुल नहीं बताई है कि मैंने पहले ही शादी कर ली है, उसके नाजायज ताल्लुकात हैं। खैर, ये लड़का काफी ज्यादा डर जाता है और मजबूरी में आकर दोनों माँ बेटी को मार देता है। उस बेचारी 3 महीने की बच्ची की क्या गलती थी, उसे भी इसने मार दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। खैर, उसके बाद ही ये पूरी की पूरी जगह बदनाम होने लगी, हॉन्टेड होने लगी। यहाँ पर चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी, उस औरत के रोने की आवाजें सुनाई देती थी। यही नहीं, उस छोटी बच्ची की भी रोने की आवाजें आती थी। और तभी इन लोगों की फैक्ट्री भी बंद हो जाती है, वहां पर भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखी गई। खैर, आज ये लोग जब इस हवेली की जांच पड़ताल कर रहे थे, एक बंदा उस फैक्ट्री में चला जाता है, वहां की जांच पड़ताल करने लगता है, और ये दूसरा इस हवेली की जांच पड़ताल कर रहा है। तो तभी हमें कुछ ऐसे नजारे देखने को मिलते हैं कि जिन्हें देखकर तुम्हें भी अपनी आंखों पे भरोसा नहीं होगा। तो पहले ये नजारे तो देख लो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, gue ada suara anak bayi emang di sini. Mang, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, Allah Allah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mang, astagfirullahaladzim, Allahumma. Allah akbar, la ilaha illallah Muhammad. Astagfirullahaladzim. Allah! Allah! Allah!
जैसा कि तुम लोगों ने देखा, माँ अलग रो रही थी, बेटी अलग गिड़गिड़ा रही थी, दोनों बहुत ही बेरहमी से रो रही थी। बंदा इधर उधर देखता लेकिन कोई नजर नहीं आता है। लेकिन कई बार इसके कैमरा में वो दोनों माँ बेटी रिकॉर्ड हो जाती है। ये जो दूसरा बंदा है, ये बंदा जब इस व्यक्ति की जांच पड़ताल कर रहा था तो यहीं पर इसके पैरों के बीचों बीच ये छोटी बच्ची लेट जाती है और ये लड़का काफी ज्यादा डर जाता है, इसके ऊपर पांव मारने लग जाता है, इसे मारने की कोशिश करता है। इस वीडियो के बारे में तुम्हारी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। मां पूछ गया लो, मां पूछ गया लो, हां मां पूछ गया। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, मां पूछ गया लो, हां मां पूछ गया लो। आज की हमारे दूसरे वीडियो में ये बंदा अपनी गर्लफ्रेंड को घर पे छोड़कर जब वापस अपने घर पे जा रहा था तो इसी बीच यहाँ पर कई सारी एक्टिविटीज रिकॉर्ड होती हैं। ये अपार्टमेंट इतना ज्यादा बड़ा है कि इस बंदे को नीचे जाते हुए काफी टाइम लग जाता है। अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग एक्टिविटीज रिकॉर्ड होती है। एक टाइम ऐसा आता है कि इस बंदे को कभी इधर से आवाज आती है, कभी इधर से आवाज आती है, कभी कोई पीछे चीज खड़ी होती है, लेकिन आखिरकार इस बंदे का उस मखलूक के साथ सामना हो जाता है। तो इसके बाद जो नजारे तुम्हें देखने को मिलेंगे उन्हें तुम लोग खुद ही देखो, मैं तुम्हारा मजा खराब नहीं करूंगा। सकते हो यहाँ पर लोगों का झुंड लगा हुआ है। आखिर इस घर में ऐसा क्या हुआ है? सामने वाले कमरे में ऐसी कौन सी मखलूक बैठी है जिसे देखकर ये सब के सब लोग डर चुके हैं? जो बंदा अंदर झांक रहा है वही डर रहा है, वही दुआएं मांग रहा है। ऐसा क्या है अंदर? तो तुम लोग खुद ही देख लो, एक अजीबोगरीब इंसान रिकॉर्ड हो जाता है जो कि इस घर में आके रैंडमली बैठ जाता है। आखिर ये आया तो आया कहां से? इसकी शक्ल देखो, शक्ल इसकी इंसानों के साथ बिल्कुल मिलती जुलती नहीं है, क्योंकि इसकी शक्ल अजीब बनी हुई है। शायद ये कोई इंसान भी हो सकता है, कोई पागल हो सकता है, लेकिन अगर कोई पागल भी होता तो उसकी शक्ल इतनी ज्यादा भयानक ना होती। ये तो कोई शैतान लग रहा है। खैर, तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। आज का हमारा आखिरी वीडियो मुझे रैंडमली मिला है और ये वीडियो काफी चौंका कर रख देने वाला है। ये वीडियो डार्क वेब से लीक हुआ था, तो तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो कि एक आदमी शैतान के रूप में यहाँ पर कोई अजीबोगरीब रिचुअल कर रहा है। इसके हाथ में किताब है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस किताब में काफी सारे तंत्र मंत्र लिखे हुए हैं, काफी सारे जादू हैं। अब इसके बारे में कोई नहीं जानता है कि ये वीडियो कहाँ से आई है, किसकी है, किसने बनाई है। खैर, यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि चारों तरफ मोमबत्तियां लगी हुई है और ये बंदा कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, और ऐसा लग रहा है मानो ये इल्लुमिनाटी की वीडियो है। I humbly offer my blessings to all of those who are kind enough and generous enough to gift. Thank you.
brings it to the circle. यार ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना। चलिए मैं मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। गुड नाइट।